हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, तो हम सब देखने वाले हैं। और आपके लिए क्या गाइडेंसेस रहेगी वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि मेरे बस थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्न्यूकोपिया, 11 नंबर का कार्ड है ये। ओके, वाओ, सन, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Five of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Eight of Wands. Queen of Swords. Okay. Two of Swords. Four of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं। मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स माई डियर। ओके माई डियर एरीज, यू आर ग्रोइंग। ये जो 15 दिन रहने वाले हैं, आप लोग बहुत ही ब्यूटिफुल वाइब्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके अंदर आप पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हो और रेडी हो बिल्कुल अपनी लाइफ में नई चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, नई ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेस एंड अबंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर मुझे बहुत सारी पर्जिंग, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जिस वाइब्स में रहने वाले हो ना, आपकी लाइफ से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी जिसे कहते हैं लैक ऑफ मेंटेलिटी, जितनी भी नकारात्मकता है, वो चीज़ें, जितनी भी बॉन्डेजेस हैं, जो चीज़ों में, जिन बंधनों में आप बंधे हुए हो, वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। एक एक करके चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सभी चीज़ों को आप रिलीज़ करते जा रहे हो।
ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी आप अंदर से बहुत एक स्ट्रॉन्गिंग, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया आप अपना रहे हो चीज़ों को देखने का, क्योंकि चैलेंजेस कभी भी हमारी लाइफ में ख़त्म नहीं होते हैं, बदलाव आते जाते रहते हैं हमारी लाइफ में, और अच्छी चीज़ें आती हैं फिर जाती हैं, बुरी चीज़ें आती हैं फिर वो भी जाती हैं, तो कहने का मतलब, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो चेंज ऑफ माइंड है ना, कि यस आप एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे यूज़ कर रहे हो चीज़ों को देखने का, अपने लाइफ के हर एरिया को देखने का, आपको चीज़ें गहराई से समझ में आ रही है कि यस मेरे लिए क्या मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, क्या डिज़र्विंग है मेरे लिए, क्या डिज़र्विंग नहीं है, अब ये वक्त है मुझे पास्ट को रिलीज़ करना है, अब ये वक्त है मुझे पास्ट की सिचुएशंस को, उन रिलेशनशिप्स को, उन बैगेजेस को, उन बॉन्डेजेस को रिलीज़ करना है और मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करना है। तो इसी वजह से आप अपनी लाइफ में जो है अबंडेंस को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त में, और आप जो भी कर्म कर रहे हो इस वक्त में, जो भी काम आप कर रहे हो उसके आपके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे विद दिस सन एनर्जी। कुछ एक नई शुरुआत, सक्सेस, और एक जिसे कहते हैं एक पावरफुल एनर्जीज में टैप इन करना, वो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है, चीज़ें ग्रो होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर आप चीज़ों को देख रहे हैं, हायर प्रोस्पेक्टिव से आप चीज़ों को इन 15 दिनों में यहाँ पर देख रहे हैं। जो चीज़ें बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि अपनी सोल से कनेक्ट होना, जो आप डिज़र्व करते हो, राइट, जो आपकी सोल की कॉलिंग है उसको फॉलो करना, आप अपने जिसे कहते हैं कि एक उस एनर्जीज में आप आ रहे हो कि यस आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि मुझे मेरी लाइफ में अब क्या करना है, क्या मुझे मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करना है और किन चीज़ों को मेरे लाइफ में रिलीज़ करना है। इस एनर्जीज में आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसे कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ। लव लाइफ की बात करें, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी है, तो यस कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपकी लव लाइफ को लेकर के हो रही है। मे बी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, या फिर कोई न्यू पर्सन की एंट्री है, या फिर आप कहीं कोई जो न्यू एक पर्सन है या आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी न्यू एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हो। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एरीज़ आप लोग बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर लगने वाले हो, बहुत ही पैशनेट एनर्जीज में, आपकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव, बहुत ही हाई रहने वाली है, और जो भी जिन भी लोगों से आप डील करने वाले हो ना इन 15 दिनों में, वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित होंगे, ठीक है, वो आपकी वाइब से बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि आपका जो रवैया रहेगा ना वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली एनर्जीज में आप लोग रहोगे, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज में आप रहने वाले हो। और ये जो एनर्जीज आपकी लाइफ में बता रही हैं कि ये जो आपकी लव लाइफ में ये जो एक नई शुरुआत हो रही है ना, मैं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करते हुए देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को आप रिलीज़ कर रहे हो, और जो लोग यहाँ पर पास्ट के बैगेजेस, हो सकता है आपने फिजिकल फॉर्म में अपने एक्स को, अपने पास्ट को, जो भी बैगेजेस हैं या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो भी हार्ट्स हैं, उन्हें रिलीज़ कर दिया, लेकिन फिज़िकल फॉर्म में आपने रिलीज़ कर दिया, लेकिन मेंटल फॉर्म में आपने रिलीज़ नहीं किया है, अभी भी कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को सोचते हो तो उन चीज़ों का असर आपके अंदर दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि अब ये वक्त है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का, उन चीज़ों को कट करके, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना रूडनेस के साथ उन चीज़ों को कट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, या आप किसी को ऑफ़र कर सकते हैं अपना दिल, ठीक है, और यस यहाँ पर मैं चीज़ें ग्रो करती हुई देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी इस नई शुरुआत को लेकर के आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी झिझक है, थोड़ी सी डाउट्स हैं, थोड़ा सा फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दैट इज़ वाई डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये ना, ये वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वक्त अपनी लाइफ में चेंज लाने का है, ये वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है। जो भी चीज़ें आपके पास्ट में रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट के रहे हैं, जो भी फियर्स आपके आ रहे हैं आपको पास्ट के, उन सभी चीज़ों को निकाल दो। इवन चाहे ये हो कि मैं किसी को पसंद आऊं या नहीं आऊं, सामने वाले को मैं अच्छा लगूं या नहीं लगूं, इट डजेंट मैटर, जो आप हैं ट्रू अपनी आइडेंटिटी दिखाना, ट्रू सेल्फ में आना, यहाँ पर आपको फेसेस नहीं रखने हैं अपने, आप जैसे हैं
जो है वैसा प्रेजेंट करें, ओके, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नई शुरुआत मैं आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ। इवन जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, मैं उनकी लाइफ में भी कुछ एक नई शुरुआत देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी स्ट्रांग होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फर्टिलिटी स्ट्रांग होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कंसीव कर सकते हो, एक नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, मे बी आप लोग कंसीव करने में आपको आप में से कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, या फिर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपकी मेंटेलिटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इस चीज़ को आपने लेकर के डाल रखे हैं अपने अंदर कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी, या फिर मेरी लाइफ में ये एक ब्लेसिंग्स नहीं है, मतलब होता है ना कि कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स लेकर के आगे बढ़ना, उन्हें अपनी लाइफ से कट करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं सिर्फ इस वक्त लव लाइफ को लेकर के जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको लेकर के क्लियर रहिए। डाउट्स में मत आइए इस वक्त में, फियर में मत आइए, ठीक है। जितना आप डाउट्स लगोगे उतनी चीज़ें ब्लॉक होंगी। बस आपको अपने माइंडसेट को, अपने आप को ओपन रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्लियर रहना है, जो भी नेगेटिव चीज़ें उन्हें कट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। अब बात कर लेते हैं अदर रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जीज एंड टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, डिसबैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खास करके ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माय डियर, थोड़ा सा अपने ईगो को यहाँ पर संभाल के रखना है रिश्तों को लेकर के, ठीक है। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर इस मोमेंट पे आप मे बी हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ एक स्ट्रांग डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि इस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय आप अभी कोई किसी भी तरीके का कोई स्ट्रांग डिसीजन ना बनाएं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में आप इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कर सकते हो रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं सामने वाला कुछ समझ रहा है, या सामने वाला कुछ कह रहा है आप कुछ समझ रहे हैं, तो बेसिकली कुछ ऐसी सिचुएशंस होती भी नज़र आ रही हैं। तो सिचुएशंस आपके हक में नहीं है, तो इस सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से आपको निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचिए, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी बैठ रही हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली रिलेशनशिप्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके घर के, आपके बाहर के कलीग्स के साथ, जहां आप ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस है, कोई भी फ्रेंड्स हैं, जो भी है, ठीक है, ये ओवरऑल आपके लिए मैसेज है। तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ अपने आप को क्लियर करने की कोशिश मत कीजिएगा उस मोमेंट पर, ठीक है, कि नहीं मैं सही हूँ या मेरा कहने का वो मतलब है, क्योंकि सामने वाले जो हैं वो आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो आपको बोला जा रहा है उस वक्त उस सिचुएशन से वॉकआउट कर लेना ही ठीक रहेगा, उस सिचुएशन में ज़्यादा टैप इन ना करें, उसे उसी तरीके से छोड़ करके थोड़ा वक्त उसे छोड़ दें, मतलब उस वक्त उस मोमेंट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस वक्त ये डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है कि मुझे इस सिचुएशन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या इस रिश्ते को लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन्स है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। सबसे पहले तो अपने मन को, अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस कीजिए। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो अभी हाल फिलहाल डिसीजंस मत लीजिएगा 15 दिनों में। अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने मन को और अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं, देन जो इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलती है उसी के बेसिस पर अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिएगा। अगर इमोशंस में बहेंगे तो भी गलत डिसीजंस लेंगे, माइंड की ज़्यादा सुनेंगे तो भी डिसीजंस गलत लेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से एग्री नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी, राइट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर बैलेंस लाइएगा, तभी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। ईगो क्लैशेस से देखिए, ईगो फाइट से बचिए इस वक्त पे, अहम को बीच में मत आने दीजिए रिश्तों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि कुछ ऐसे कपल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मे बी आप लोग एक डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ब्लॉकेज एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। तो अभी ना एक ये अहम, एक ये ईगो वाली सिचुएशन पैदा हो गई है कि मैं क्यों उससे बात करूँ, वो मुझसे बात करे, तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। या तो आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए, अदरवाइज इस मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। अगर आपको देखिए
जहाँ आप स्थिति को संभाल सकते हैं, ठीक है। अगर जो आप लव लाइफ वाले यहाँ पर देख रहे हैं, जो इस सिचुएशन में है, जिनसे ये सिचुएशंस मैच हो रही हैं, कि अगर आप स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप योर ईगो, ठीक है। अपनी ईगो को दरकिनार कीजिए और फर्स्ट स्टेप एक आप लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ईगो में रहेंगे तो फिर आप फर्स्ट स्टेप दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आप वेट ही करते रहेंगे, फिर वो क्लैशेस बने ही रहेंगे, चीज़ें आगे ग्रो नहीं करेंगी। तो अगर आप एक पॉजिटिव रवैया अपनाते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक वे अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें हील हो सकती हैं। ओके, आपको डायरेक्शन बेसिकली मिलेगी कि आपको अब क्या करना है, या चीज़ें स्मूथ चलेंगी या नहीं चलेंगी, राइट। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो यहाँ पर करियर वाइज बहुत ही अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके 15 दिनों के लिए दिखाई दे रही है। बहुत कुछ चल रहा है आपके करियर में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस कहें या फिर कुछ ना कुछ है, मतलब बहुत बिजी टाइम रहने वाला है ये 15 दिन आपके करियर वाइज। बहुत सारी मनी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, फाइनेंसेस आपके बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं इस वक्त में, यस। और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आ रही हैं, और ये डिवाइन की तरफ से दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी तरफ जो आ रही हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ ये वक्त में ना आप लोग बहुत, एक यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज मिल रही है कि माय डियर, जो भी आप अपनी लाइफ में बरकत अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी ये करियर वाइज, जो भी जिस तरीके से भी आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्टेबिलिटी है आपके करियर में इन 15 दिनों में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना आप ऊपर चढ़ रहे हो ना इन 15 दिनों में, उतने ही हम्बल, उतने ही डाउन टू अर्थ, उतने ही नर्चरिंग एनर्जीज में आपने रहना है। और इस वक्त में जितना हो सके गिविंग होने के बारे में सोचिए, ओके, क्योंकि आप अपने बारे में तो सोच ही रहे हो, ऐसा नहीं है, और वो बुरी बात भी नहीं है। अपने बारे में भी सोचिए, अपने आप को भी नर्चर कीजिए, अपनी केयर भी कीजिए, लेकिन दूसरों के लिए भी ओपन होना है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी ब्लॉकेज आ रही है यहाँ पर विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ी कंपैशनेट एनर्जीज में आइए, सॉफ्ट एनर्जीज में आइए, एक हम्बल एनर्जीज में आइए, और दूसरों के बारे में सोचिए। थोड़ी सी यहाँ पर चैरिटी डोनेशंस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, वो आपकी बरकत में, जिसे कहते हैं बरकत को मल्टीप्लाइज करने में बहुत मदद करेंगी, ठीक है। तो जिससे कहते हैं ना कि जब हम अच्छे कर्मास करते हैं तो हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, सही वक्त पर सही डिसीजन ले पाते हैं, वो हमारे कर्मास ही होते हैं ना, जिनकी वजह से हम राइट समय पर राइट डिसीजंस लेते हैं। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, जो भी ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उनमें में भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो थोड़ा सा करियर वाइज, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एरीज, ये जो 15 दिन है ना, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितना आप मेंटली चीज़ों पर वर्क करोगे, उतना आप क्लैशेस में बने रहोगे, उतना आप ब्लॉकेजेस में बने रहोगे, उतना आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करोगे, कठिनाइयों को लेकर के आओगे। और जितना आप इंट्यूटिवली अपनी लाइफ में चलोगे, इंट्यूटिवली अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगे, आपकी लाइफ में बहुत बरकत आ रही है, बिल्कुल सही पाथ पर आगे बढ़ोगे। तो ये कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ का चाहे कोई भी एरिया हो, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और डाउन टू अर्थ की एनर्जीज में रहना है, हम्बल एनर्जीज में रहना है। अगर आप चीज़ों को हील करना चाहते हो, इवन रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, करियर, कोई भी एरिया हो आपका, हम्बल एनर्जीज़ को अपनाइए, ठीक है। गिविंग एनर्जीज में आइए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये वक्त आपके लिए, अगर आप कहीं प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी एनर्जीज, तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यस, इसके साथ ही साथ मैं अगेन आपको यहाँ पर बोलूँगी, चैरिटी ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने आप को ओपन रखिए, ओके। जहाँ आपको लगता है कि यस, किसी की मुझे मदद करने की ज़रूरत है, ठीक है, फाइनेंशियली भी, वहाँ प्लीज़ कीजिए। और जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, गुप्तदान, ओके, कि किसी को बिना बताए अपने आप, ठीक है, और बिल्कुल ट्रू इंटेंशंस के, प्योर इंटेंशंस के साथ, राइट, ब्यूटिफुल।
डिवाइन की ब्लेसिंग्स, जितना हम्बल आप रहेंगे ना एरीज, उतने ही सेफ एंड प्रोटेक्टेड आप अपने करियर वाइज और फाइनेंसेस वाइज रहने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। उतनी ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही गुड एनर्जीज को आप अपने करियर वाइज आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस वक्त में। अब बात कर लेते हैं आपकी जो यहाँ पर या हेल्थ है, एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओके। ये मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज आप कुछ नया आपकी लाइफ में या तो शुरू हो रहा है या फिर आप कुछ शुरू कर रहे हो। इन केस अगर आप किसी राइट किसी डाइटिशियन की वेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो वो चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन करने के बारे में आप सोच रहे थे तो वो शुरू कर सकते हो। अगर आप किसी अगर हेल्थ इश्यूज थे आपको और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाह रहे थे आप यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपको एक जिसे कहते हैं कि सही एक डॉक्टर, सही कंसल्टेंट मिलना आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। जो आपको हेल्थ वाइज बहुत ग्रो करेगा, मतलब आपकी हेल्थ जो भी आप बेसिकली आप अपने ऊपर वो बना रहे हो ना कि यस मुझे ये करना है हेल्थ को लेकर के, वो चीज़ होते हुए मैं देख रही हूँ। बस डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा, डाउट्स मत लाइएगा कि ये मैं शुरू तो कर रहा हूँ क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ओके। मे बी आपके सामने हेल्थ वाइज भी ना बहुत ऑप्शंस हो कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, तो आपको बोला जा रहा है एक एक करके चीज़ों को लीजिए, एक साथ सभी चीज़ों को मत पकड़ लीजिए, फिर उसे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे कि डाइट भी मैंने शुरू कर दी, एक्सरसाइज भी मैंने शुरू कर दी, जॉगिंग भी मैंने शुरू कर दी, डांस भी मैंने करना शुरू कर दिया, खिचड़ी नहीं बनानी है आपको। एक एक करके चीज़ों को लेना स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पर आपके लिए एट ऑफ वॉन्ट्स है और टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो माई डियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि स्पिरिचुअली ना आप बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये 15 दिन में बहुत चेंजेस, बहुत एक्शंस, कुछ नया सीखना, कुछ नया ऐड करना, बहुत ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन उतने अच्छे इफ़ेक्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, या फिर मैं इतना सारा कैसे कर पाऊँ, ठीक है। मुझे मेडिटेशन भी करना है, मुझे चैंटिंग्स भी करनी है, मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, तो मतलब बहुत सारा हो गया एक साथ में, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है रिलैक्स, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को लीजिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। मैं वैसे एक कार्ड आपके लिए यहाँ से लेना चाहूँगी, एक्टिवेशन कार्ड से, गेटवे ऑफ लाइफ एक्टिवेशन। इस वक्त में आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, स्पिरिट गाइड कंफर्मेशन एंड ग्रेट लेसन्स, यस, ओके। आप इस वक्त में ना स्पिरिचुअली यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेसन्स आपके सामने आ सकते हैं। इस समय आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। जो भी कुछ स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में इस वक्त में हो रहा है ना, आप गाइडेड हो, पहली बात आपको देखा जा रहा है, ठीक है। आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपको जिसे कहते हैं कि मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सही वक्त पर सही मैसेजेस रिसीव कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में इस मोमेंट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो ना स्पिरिचुअली, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे कुछ पर्जिंग, रिलीजिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी फैमिली आपको इस चीज़ को लेकर के कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करे, आई डोंट नो। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक चैलेंज स्पिरिचुअली नज़र आ रहा है विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ट्स, कि कुछ चैलेंजेस को आप फेस करने वाले हो, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है
कि कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि बीच में अड़चन नहीं कहूँगी मैं, ये आपके बेसिकली लेसन्स हैं। तो आप इसे यस, क्योंकि यहाँ पर विन विन आउटकम भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके गाइडेंस के बेसिस पर, उनके साथ के साथ आप इन चैलेंजेस को सरपास ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ कनेक्टेड रहिए डिवाइन से। ये जो भी चैलेंजेस आप इस समय स्पिरिचुअली फेस कर रहे हो, ये बेसिकली आपकी सोल को और जिसे कहते हैं कि ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप ये लेसन्स यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, दैट इज़ वाई ये शिफ्ट्स आपके अंदर हो रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली इन शिफ्ट्स को अच्छे से समझ नहीं पाए, इन चेंजेस को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेवल पर हो रहे हैं। मे बी ये इंटरनली हो रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सन कार्ड की एनर्जीज में भी आपको बताया। सन कार्ड भी यहाँ पर क्या बताता है कि पहले बहुत स्ट्रगल था, मतलब धूप में इंसान कितना तपता है, राइट? तो तब जा कर के उसको वो सफलता मिली। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ें एनर्जीज मिल रही है। इवन मुझे लिटरली कुछ लोगों का ना कर्मा रिलीज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये जो कर्मा रिलीजिंग है ना, ये इजी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही एक हैवी वे का है, लेकिन यस, ये जो रिलीज़ हो जाएगा ना, उसके बाद की जो आपकी खुशी होगी ना, उसके बाद जो आप लाइट फील करोगे, उसके बाद जो आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, उसके बाद जो आप पॉजिटिव, इतना जिसे कहते हैं ना कि एक किस्म का जैसे रिबर्थ की एनर्जीज, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ लाइफ लेसन्स हैं आपकी फैमिली के रिगार्डिंग। इन केस अगर आप अपनी फैमिली में कुछ इश्यूज देख रहे हो इस मूमेंट पर, एरीज अभी चल रहा हो सकता है या इन 15 डेज में चले आपकी लाइफ में, तो बेसिकली वहाँ पर आपके लिए कोई एक ग्रेट लेसन है, ठीक है, जो आपको सीखना है या सीखने हैं। ठीक है, मे बी आपको अपनी ईगो को उस समय कंट्रोल करके, अपनी ईगो को पीछे हटा करके, आपको उन लोगों को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है। बेसिकली ये आपका स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है। ओके, तो कुछ ना कुछ फैमिली से, फैमिली बैकग्राउंड से, कुछ ना कुछ आपका फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ आ रही है स्पिरिचुअली, जो आपको यहाँ पर लेसन सीखने के लिए बोल रही है। ठीक है, यस, फैमिली के रिगार्डिंग, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है माय डियर, कि फैमिली के रिगार्डिंग आप लोगों को है कुछ मैसेजेस, सॉरी कुछ लेसन सीखने हैं, अगर कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं। तो जहाँ आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, ये वक्त ना अपने अंदर बैलेंस लाने का है, ये वक्त थॉट्स के साथ चलने का नहीं है माय डियर एरीज, ये वक्त इमोशंस में बहने का भी नहीं है, ये वक्त सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का है। आपके अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जीज और जो फेमिनिन एनर्जीज है, जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज है, उन्हें बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, ओके, और उस बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डिवाइन से कनेक्ट होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फुल मून की एनर्जीज है, तो यस, कुछ एक बहुत बड़ा बैगेज, कुछ एक बहुत बड़ा कर्मा आप लोग यहाँ पर रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो इस डिवाइन पर आपको इस वक्त पर ट्रस्ट रखना है और इस प्रोसेस को ऑनेस्टली कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद की जो खुशी होगी ना आपके अंदर, जो एक रिबर्थ आपका जब होगा, जो एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी, वो बहुत ही पावरफुल रहने वाली है। ओके, लेट्स सी हार्ट चक्रा से, सॉरी हार्ट ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी आपके लिए बैलेंस का ही कार्ड है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो बैलेंस का कार्ड है, कॉर्नुकोपिया की एनर्जीज की, जहाँ आपने अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना कराना आप करना स्टार्ट कीजिए, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को फ्लो में आते हुए देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना एरीज इस वक्त में, उन्हें सरेंडर करना है आपको। ठीक है, बस मेडिटेशन पर फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फोकस कीजिए। ओके, और यस, ये जो भी आपका रहा है ना लेक ऑफ मेंटेलिटी, नेगेटिव पैटर्न, ईगो, जो भी ये चीज़ रही है आपके लेक मेंटेलिटी, ठीक है,
उसे रिलीज करेंगे ना, जैसे ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए देखेंगे, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, ये फैमिली को लेकर के कुछ ज़्यादा लग रहा है, यस कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ है, मे बी आप एक लेक ऑफ मेंटेलिटी में जी रहे हो इस सिचुएशन में, तो उसे शिफ्ट कीजिए, बैलेंस लाइए अपने अंदर, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। ये वक्त अब पास्ट को रिलीज करने का है। ओ माय गॉड, देख रहे हैं किस तरीके से कार्ड आया है, मैनिफेस्ट का कार्ड। मूव, या ओके, तो कार्ड्स आए आपके। सी बॉटम ऑफ द देखे, टेक द लीड, यस आगे बढ़िए। देखिए अगेन बैलेंस की मैं यही बात कर रही थी ना, आपकी मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ठीक है। एक कंपैशनेट एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। ये मे बी ये जो लेसन्स है ना, ये आपको कुछ ऐसे मैसेजेस सिखा रहे बता रहे हैं, ये लेसन्स जो हैं आपके खुद के ऊपर बेस्ड, मतलब कुछ है आपके अंदर जो चेंज करने का है, ठीक है। मे बी आपको एक जिसे कहते हैं प्रेम से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, कंपैशनेट एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, प्यार से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि देखना है आपको कि कहाँ पर आपके मस्कुलिन एनर्जीज आपको यूज़ करनी है अपनी, कहाँ पर आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी है, कहाँ पर आपको कंट्रोलिंग होना है, ठीक है, कहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाने हैं, और कहाँ पर आपको एक लव की एनर्जीज में, गिविंग एनर्जीज में, कंपैशनेट एनर्जीज में, केयरिंग एनर्जीज में आना है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बैलेंस बनाइए, ठीक है। आपका दिल यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, मूव, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो माय डियर। ये कुछ ना कुछ है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो मे बी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, इल्यूजन्स में हो, डाउट्स में हो, मे बी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, या फिर जो भी डाउट्स है, ज़रूरी नहीं है पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, कुछ लोगों को देख करके डाउट्स आना कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए, प्यार को लेकर के, ठीक है, प्रेम को लेकर के, एक न्यू कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, या फिर मे बी आप किसी को सेकंड चांस दे रहे हो तो उसको लेकर के कन्फ्यूजन्स हो, तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो माय डियर। और मैनिफेस्ट, यस, ये वक्त है, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, आपके पास वो पावर है, आप डिवाइन की एनर्जीज़ के साथ, और जो गिफ्ट्स आपके पास हैं, जो पावर आपके पास है, जो आपके पास मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनके साथ आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। ये वक्त आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने का है, ये वक्त आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने का है। और आपको आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ऑलमोस्ट आप रीच आउट, आप पहुँच ही चुके हो, और यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं, डिवाइन का सपोर्ट, ये इंसानों के हाथ तो है नहीं इतने बड़े बड़े, है ना, तो ये डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लिए रास्ता बना रही है, आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत आ सकते हैं, तो वाइजली चूज़ कीजिए, इंट्यूटिवली यूज़ कीजिए, मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर, ठीक है। खास करके ना एरीज, मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है विद दिस कार्ड ऑल्सो, कि प्लीज़ अपनी लाइफ में रिश्तों को अहमियत देना स्टार्ट कीजिए, रिश्तों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए इस मोमेंट में एरीज, रिश्तों की केयर करना स्टार्ट कीजिए, जो ट्रू है माय डियर, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने लाइफ में देखिए, क्योंकि कहीं एक ऐसा वक्त आ जाता है ना, जब हम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, और अंत में हम ढूंढते हैं कि ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, इनको शेयर करने के लिए हमारे पास अपने अपने हैं ही नहीं हैं, किसके साथ शेयर करें हम, तो वो लव, वो प्यार, वो हम दुनिया में ढूंढते हैं। तो आपको बोला जा रहा है रिश्तों की अहमियत को समझो माई डियर, यस ओके। तो फाइनल आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं स्टार सीड मैसेज से, फाइनल आपको डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। मैग्निफिकेंट, ओह वाओ, यू आर अमेजिंग, यू आर मैग्निफिकेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ, यस, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत लविंग हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो माय डियर, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप बहुत अमेजिंग हो, ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर डाउट्स नहीं लाना है, अपने अंदर ना कमियाँ नहीं ढूंढनी है कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, ये तो कुछ लेसन्स हैं आपको यहाँ पर सीखने के लिए आप आए हो। तो अगर आप इनमें से कुछ मैसेजेस को सुन करके, अगर आप
इस ऊर्जा में चले गए हो कि शायद मेरे अंदर ही कोई बुराई है माय डियर, तो ये बुराई की बात नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इनफ हो, आप बहुत अच्छे हो, बस कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने अंदर करने हैं, राइट? तो उनको लेकर के बस अपनी लाइफ में एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए। और यस, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर है, आपकी लाइफ में देखिए, जैसे ही आप अपनी लाइफ में एक्शंस लेंगे, जैसे ही आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के बैलेंस रिस्टोर करने को लेकर के अपनी डिवाइन एंड मैस्कुलिन सॉरी अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, वैसे ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, खासकर रिश्तों को लेकर के, प्यार को लेकर के, क्योंकि आप यहाँ पर उस प्यार को शेयर करने आए हो। ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनका चाइल्डहुड प्रॉब्लम हो सकता है, चाइल्डहुड से ही कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पेरेंट्स के रिगार्डिंग, सिबलिंग्स के रिगार्डिंग, राइट? तो उन्हें हील बेसिकली करने की ज़रूरत है। रिश्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसे समझिए। यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोलना चाह रहे हैं माय डियर। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, कर पाए हैं। इंट्यूटिवली आपको यहाँ पर पता होगा कि आप इनसे कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं। अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, डिवाइन के प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, ओके? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।